घेऊन गेले. तो कसा आलेला आहे? खोजून आलेला त्याने आपल्या टोपीच्या चारही बाजूला मोर पिसे छानपैकी लावलेली आहे. आणि तो त्या भारती टोपी काय करत आहे? तो हातात आणलेला आहे का नाही? तो आपल्या छान मोठं डोक्यावर त्याने तो घालून आलेला आहे. कोणी काय आलेला आहे? वासुदेव आलेला आहे. दान काही दान करायला आला दारी वासुदेवाला. म्हणजे आपल्या दारी कोण आलेला? वासुदेवाला. आता तुम्ही त्याला थोडा दान करा. देखो बच्चो दारी यहाँ क्या बोल रहे? दारी वासुदेवाला, दारी वासुदेवाला, दारी वासुदेवाला, चिमना वासुदेवाला. तो जो वासुदेव आया है उन्हें क्या करना है? मैं दान करना होगा. किस तरह? बहुत ही सुंदर वेशभूषा करके आया. उनके सर पर बहुत सुंदर टोपी है, जो मोर के पंख लगे हुए हैं उस टोपी पे. ऐसा एक वासुदेव अपने दरवाजे पे, उन्हें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा दान देना चाहिए. कभी ऐसे बताने यहाँ बताने की कोशिश करें. अब देखो गाँव खड़े का माहौल कितना मस्त रहता है, प्रसन्न रहता था. पक्षियों की आवाज जो होती है और लोग कैसे सुबह सुबह गांव खड़े में मस्त रंगोली डालना. हर एक वातावरण प्रफुल्लित होता है. फूल फूल पंछी से लेकर हर चीज वहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें बहुत ही अच्छा देखा हुआ होता है. देखने लायक की चीजें होती है वहाँ, जो हमें देखना भी चाहिए. और स्पेशली वो गाँव खड़े में देखता है. यहाँ तो अपने इधर वास्तु आते हैं तो ये वहाँ हमें किस तरह कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस जगह पर वासुदेव है उस जगह पे हमें ये कवि लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. वहाँ का नज़ारा अपने सामने लाने की कोशिश करना चाहिए. दारी वासुदेव वाला, दारी वासुदेव वाला, काहे दान करा था ना दारी वासुदेव वाला. जैसे हमारे जो दरवाजे पे आया है वासुदेव, उसको कुछ तो भी दान करना चाहिए. ऐसे कवि की यहाँ कवि हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं. बांधल लिया घुंगर पाई थे नाचते. घुंगर मंजे घुंगुर मंजे घुंगुर म्हणजे अरे कोणालाच नाही माहिती घुंगरू. घुंगर म्हणजे
आपल्या मनात फक्त देण्याची भावना असायला पाहिजे की जर मी तू